तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और हो सुनील सैनी। आ गया दोस्तों आपके लिए गेटेड सोसाइटी में सेक्टर 115। डिवाइन दोस्तों रहने वाला है। डिवाइन दोस्तों आपने सुना ही होगा, नाम ही काफ़ी है। और यहां पे आज हम लोग एक दोस्तों आपको एक अलग कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, आज हम दिखाने वाले आपको स्ट्रक्चर, पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, नीचे फ्लोरिंग भी हो चुकी है और दोस्तों कॉर्नर की प्रॉपर्टी रहने वाली है, गेटेड सोसाइटी में रहने वाली है और इसका प्राइस बहुत ही अग्रेसिव है, नॉन नेगोशिएबल ये रेट रहने वाला है। आप इसको चाहे तो हम आपको इसको पूरी रेडी करके भी दे देंगे। आप दोस्तों इसको वीडियो को पूरी तरह देखें, एक बार समझें और हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें इसका। मैं दोस्तों अगर आपको पूरा इसको रेडी करके देना है, मैं उसका प्राइस भी मेंशन कर दूंगा और आपको अगर बिल्कुल एज इट इज लेनी है वो भी प्राइस मेंशन कर दूंगा। उसको आप ज़रूर चेक करें और एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ आपको मिलने वाला है। बस आपको दोस्तों सिर्फ 2 से 3 महीने में इसकी तैयारी करानी है और अपना रहना शुरू कर देना है। इंडिपेंडेंट कोठी है दोस्तों, 100 गज में बनी हुई, डबल स्टोरी बनी हुई है, तो बहुत अच्छी है दोस्तों। इस रेट में ऐसी दोस्तों कोठी मिलना इम्पॉसिबल है। आप इसको एक बार विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, हमारी टीम के साथ डिस्कस करें, कमेंट करें और हमारा सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर फॉलो कर लें। आप दोस्तों फेसबुक पेज, हमारा इंस्टा पेज और व्हाट्सएप चैनल, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे जाके हमें ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर बिना देरी करें, चलते हैं इस ब्यूटीफुल कोठी के अंदर। तो सबसे पहले आप व्यू देखिए दोस्तों हमारी एंट्रेंस के, ये देखिए वाइड रोड मिलती है सेक्टर 115 डिवाइन वर्ल्ड में। तो गेटेड सोसाइटी कॉर्नर यूनिट रहने वाला है और जो जो स्ट्रक्चर होने वाला दोस्तों वो आपको 100 गज में बना हुआ स्ट्रक्चर मिलने वाला। बिल्कुल आप इसको सिर्फ रेडी करिए और ये देखिए इसके व्यू, कॉर्नर यूनिट है 100 गज में बना हुआ। देखिए आसपास सारी कोठियां बनी हुई हैं, आगे जितनी रोड्स है वो 30 फीट की आपको रोड्स मिल जाएंगी और ये वो स्ट्रक्चर है दोस्तों, बिल्कुल रेडी है, डबल स्टोरी, ये 4 BHK रेडी स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाने की आज कोशिश करता हूँ और दोस्तों ऐसी इन्वेंट्री बहुत रेयर मिलती है क्योंकि इसमें प्राइसिंग आपको बहुत एग्रेसिव मिलने वाली है। और सबसे पहले एंट्रेंस में आती है पार्किंग और आप इसका देखिए पार्किंग का व्यू। तो और ये आपको दोस्तों पूरी आपकी एक गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगी। इसका जो साइज़ है 17x11 का और ये जो पार्किंग है ये 10x4 की आपको मिलने वाली। देखिए एल शेप में आपकी दोस्तों ऑलरेडी विंडो भी लगी हुई है, तो स्ट्रक्चर में दोस्तों एल शेप विंडो देखिए इसका मतलब कितनी लेटेस्ट डिज़ाइन की रहने वाली है। और ये हमारा आता है एंट्रेंस डोर और इसमें आप जितने भी नीचे फ्लोरिंग देखोगे डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, सिर्फ इसकी फिनिशिंग होनी है। फिनिशिंग के साथ भी दोस्तों हम इसको दे देंगे, आप हमें कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। और सबसे पहले एंट्रेंस पे हमारा ये आ जाता है दोस्तों लिविंग कम डाइनिंग एरिया और इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया का जो साइज़ रहने वाला है 21x15 का। तो ये वाला जो दोस्तों एरिया, यहाँ पे एक बेडरूम इसका पार्टीशन करके यहाँ पे एक बेडरूम डिज़ाइन हो जाएगा और ऑलमोस्ट दोस्तों इस बेडरूम का जो साइज 15x11x12 का ये बेडरूम निकल के आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आपका एक बेडरूम बन जाएगा, लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपका दोस्तों सेंटर में आ जाएगा। और इसके साथ जो आपको दूसरा बेडरूम मिलने वाला वो ऑलरेडी बहुत बड़े साइज़ का है क्योंकि बहुत अच्छा डिज़ाइन करके इसको दोस्तों बनाया गया है। और ये हमारा आ जाता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारा वॉशरूम, ये वॉशरूम दोस्तों अटैच है हमारे बेडरूम के साथ भी और हमारे लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साथ। इस वॉशरूम का जो साइज़ रहने वाला है वो है 7x6 का। तो ये देखिए फिनिशिंग सिर्फ पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट दोस्तों डन है। बहुत अच्छी प्राइसिंग, बहुत अच्छे रेट में आपको ये मिलने वाला है, तो एक बार इसको ज़रूर चेक कर लें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमारी टीम को कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। ये आ जाती है हमारी किचन, किचन दोस्तों एक बहुत अच्छा डिज़ाइन कराया गया, 9x8 का किचन है और ये देखिए बहुत अच्छी विंडो लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए। साथ में आपको इसमें अटैच दोस्तों मिल जाती है आपकी रियर बालकनी और इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 8x5 का। तो यहाँ पे देखिए टैप की प्रोविजन दी गई है, आप यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी जो शूट कर रहे हैं हम इवनिंग टाइम कर रहे हैं और दोस्तों फिर भी देखिए कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है, तो बहुत अच्छा दोस्तों आपके बजट में फिट रहने वाली है। अगर आप इसको दोस्तों पूरी फिनिशिंग भी लेते हो तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप हमारे साथ एक बार डिस्कस करें। और ये आ जाता है हमारा एक मास्टर बेडरूम, इस बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है वो है 13x12 का। तो एक अच्छे साइज़ का दोस्तों बेडरूम रहने वाला है, इसमें भी आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, इसमें आपको स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग हम करा के देंगे, सब कुछ दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है। आप हमें कॉल करें, अपनी विजिट एक बार ज़रूर प्लान करें क्योंकि इस बजट में गेटेड सोसाइटी में जहाँ पे आपको अंदर ही पार्क मिल जाएंगे, अंदर ही आपको मार्केट मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया,
ड्रेसिंग एरिया का जो साइज रहने वाला है वो है 7x5 का, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग बन जाएगा। और इसके साथ भी आपको ये वॉशरूम आया था दोस्तों, वही वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसका साइज रहने वाला है 7x6 का। तो यहीं से हम चलते हैं बाहर और आपको व्यू दिखाता हूँ हमारी फर्स्ट फ्लोर का। और फर्स्ट फ्लोर में भी दोस्तों ऑलमोस्ट आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलता है, ऊपर आपको माउंटिंग मिल जाती है, बिल्कुल दोस्तों बना बनाया आपको स्ट्रक्चर एज इट इज मिलने वाला है। फिनिशिंग में दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप जैसे मर्जी इसको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग डिजाइन दे सकते हैं। तो एक अच्छा रेट है दोस्तों, अगर आप इसको पूरा फिनिशिंग स्टेज में चाहते हो तो वो भी हम आपको करके देंगे। आपको दोस्तों इसकी जो डिमांड है नेगोशिएबल रहने वाली है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का व्यू। और आप जो फ्रंट में ये बालकनी देख रहे हैं, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 21x3 का। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको ऑलमोस्ट वही दोस्तों डिज़ाइन मिलता, देखिए आपको एल शेप में विंडो मिल जाती है। और ये हमारा आ जाता है पॉर्च एरिया, पॉर्च एरिया का साइज रहने वाला वो है 12x10 का। और ये दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी एंट्रेंस आ गई हमारी फर्स्ट फ्लोर की। और फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो वही दोस्तों आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, सबसे पहले आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है 21x15 का, तो ये देखिए। और यहाँ पे हम अपना दोस्तों पार्टीशन करेंगे और एक बेडरूम यहाँ भी बन जाएगा। इसका जो साइज रहने वाला है वो आपका 15x11 के आसपास साइज रह जाएगा। तो एक अच्छा डिज़ाइन, डे वन से आपको रेंटल इनकम, क्योंकि दोस्तों जो 115 सेक्टर है बिल्कुल ये लांड्रा रोड पे लोकेटेड है और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रेंटल भी आता रहेगा। और ये आ गई हमारा किचन, किचन का जो साइज रहने वाला है वो अगेन 9x8 का रहने वाला है। मॉड्यूलर किचन दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम भी आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, आप हमें एक बार ज़रूर डिस्कस करें। और ये इसकी आपकी रियल बालकनी, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 4x8 का। तो ये आपको बहुत अच्छा वेंटिलेटेड ये घर मिलने वाला है और बहुत अच्छे रेट में मिलने वाला है, क्योंकि आज की डेट में प्राइसिंग बहुत हाई है। हम आपके लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग अफोर्डेबल चीज़ें लेके आते रहते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 13x12 का। इसमें भी आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और इसके साथ आपको अगेन जैसे नीचे ड्रेसिंग एरिया मिलता है, इसके साथ भी ड्रेसिंग एरिया मिलने वाला है। और ये देखिए कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है, और बगैर दोस्तों लाइट कोई भी नहीं चल रही, और फिर भी देखिए पूरे घर में कितनी रोशनी है। तो चलिए अब आपको व्यू दिखाता हूँ हमारा ये बेडरूम का, और बेडरूम के साथ दोस्तों अटैच हमारे ड्रेसिंग का। ये ड्रेसिंग का जो साइज रहने वाला है 7x4 का, और इसके साथ हमारा अटैच आ जाता है वॉशरूम अगेन 7x6 का। और यही वॉशरूम हमारे लिविंग और डाइनिंग के साथ भी अटैच है। तो ये था हमारा 4BHK दोस्तों कोठी की कॉन्फ़िगरेशन। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी प्राइसिंग आपको थंबनेल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर चेक करें। और चलिए अब मैं आपको थोड़े से व्यू दिखा देता हूँ माउंटी के। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड फ्लोर बनाना भी अप्रूव्ड है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।